नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्री पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए फिर से 50 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं एमसीक्यू की। ये वो सीरीज है जो इसके पहले 50 प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड किए हूँ, उसी से आगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। ये जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये हमारी हॉस्टल वार्डन प्रैक्टिस सेट किताब से है। ये जो किताब है, ये आपको 3900 मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ बेहतरीन संग्रह के साथ मिल रही है, जिसमें 39 मॉडल प्रश्न पत्र हैं। साथ में आपको OMR सीट भी मिल रही है, 39 OMR सीट है। तो जो छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट साबित हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि मैंने आपको मॉडल प्रश्न पत्र 4 प्रोवाइड किए हैं, जो 100-100 के हैं, जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके पहले डेटा कम्युनिकेशन पर मैंने 150 प्रश्नों का एक संग्रह, सॉरी वायरस एवं मालवेयर पर मैंने आपको 150 प्रश्नों का संग्रह दिया है, और उसके अलावा 50 प्रश्न भी है, 50 प्रश्न और हो जा रहे हैं। तो ऐसे आप देखेंगे ना ओवरऑल मेरी वीडियोस में, तो मैंने आपको 1000+ प्रश्न MCQ के माध्यम से मैंने वीडियो में कराए हुए हैं। तो जिनको भी 1000 प्रश्न करनी है, रिविज़न करना है, तो ये मान के चलिए कि उसके जो लिंक है मैंने आपको दे दिया है, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए और प्रॉपर सारी वीडियोस को आपको देखना है। मान के चले कि छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही लाभ प्रसिद्ध होगा। चलिए प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वैध मैक एड्रेस है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मैक एड्रेस के, आपको उसको छांट के बताना है। तो भाई मैं आपको ध्यान दूंगा, ध्यान दीजिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो पेन पेपर लेके ही बैठे, कुछ कुछ फैक्ट्स में बताते जाऊंगा, नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैक एड्रेस, तो भाई कंप्यूटर में 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं। पहला कंप्यूटर का क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस। पहला कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल। और जो दूसरा एड्रेस होता है वो कहलाता है हमारा फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस है कि लॉजिकल एड्रेस कहलाता है कंप्यूटर का IP एड्रेस, और वहीं पर फिजिकल एड्रेस कहलाता है कंप्यूटर का मैक एड्रेस। ये IP एड्रेस क्या होता है कि प्रत्येक नेटवर्क का अपना एक IP एड्रेस होता है, और दूसरा नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक पता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? IP एड्रेस। अगर कोई सेंडर किस रिसीवर को मैसेज भेजना चाहता है या कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहता है, तो सेंडर के पास अगर रिसीवर का IP एड्रेस होगा तभी वो सेंड कर पाएगा, तभी वो नेटवर्क में डेटा को सेंड कर पाएगा। तो ये नेटवर्क का एड्रेस और नेटवर्क में कंप्यूटर का एड्रेस जो नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है, IANA के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा IP एड्रेस दिया जाता है? IANA के द्वारा दिया जाता है। ये एड्रेस जो होता है वो हमारा IP एड्रेस। परंतु कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस, उसका मैक एड्रेस कहलाता है। ये कौन देता है उसको? तो उसको देती है कौन? निर्माता कंपनी। जिस भी कंपनी ने मैक एड्रेस कंप्यूटर बनाया है, तो वो निर्माता कंपनी उसे एक मैक एड्रेस देगी। ये मैक एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, एक कंप्यूटर का एक ही मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये बात हो रही है मैक एड्रेस की। तो मैक एड्रेस दिखता कैसे? तो मैक एड्रेस हमें दिखाई देता है बिल्कुल जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो ये 6 पार्ट में ऐसा डिवाइड होता है, जैसा IP एड्रेस हम लिखते हैं ना, तो IP एड्रेस कैसे लिखते हैं? 1111.1110.11। तो ये IP एड्रेस 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो वैसे ही मैक एड्रेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब रूल समझना, मैक एड्रेस को आप कैसे पहचानोगे? तो मैक एड्रेस जो होता है, पहले तो ये 6 पार्ट में होगा। प्रत्येक पार्ट जो होगा ये 8 बीट का होगा। कितने बीट का होगा? 8 बीट का। तो 8 बीट के साथ 6 है, तो टोटल कितने बीट के हो गए? 48 बीट का होता है क्या हमारा एक मैक एड्रेस। डन। इसमें से जो पहले 3 जो होते हैं, ये ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट और बाद के 3 ऑक्टेट, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक 8 बीट को क्या कहा जाता है? ऑक्टेट। तो आईपी एड्रेस में टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं और मैक एड्रेस में टोटल 6 ऑक्टेट होते हैं, प्रत्येक ऑक्टेट, है ना, ठीक। अब यहां पर ये जो पहले के 3 ऑक्टेट हैं, इन्हें कहा जाता है OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब कि ये कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगर लेनोवो का लैपटॉप है तो उसका अलग OUI होगा, सोनी का लैपटॉप है तो अलग OUI होगा, और वहीं पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंट्रोलर NIC नंबर, और जो बाकी के जो 3 डिजिट्स होते हैं, मतलब 3 ऑक्टेट होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 1, 8, 2, 16, 24, टोटल 24 बीट का जो होता है हमारा, वो क्या होता है? NIC होता है, ठीक है।
ठीक है, तो लास्ट के 3 बीट होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मैक एड्रेस। अब दूसरी बात, मैक एड्रेस को जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो वो किया जाता है या तो इसमें आप कोलोन के निशान से इसे अलग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डॉट से भी अलग कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे हाइफन के निशान से भी अलग कर सकते हैं। तो ये तीनों ही प्रयोग किए जाते हैं, ये एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीजों के बारे में जो जानकारी मैं देते जा रहा हूँ जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा मैक एड्रेस। अब आपको बताना है कि कौन सा वैध मैक एड्रेस है, क्या क्या चीजें देखनी है। पहला देखना है क्या इन दोनों को, ये टोटल 6 पार्ट में है कि नहीं। पहला काम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी 6 पार्ट में हमारा पहला कंडीशन डन। कंडीशन नंबर 2, देखिए कि इन्हें किससे अलग किया गया है, कोलोन से, डॉट से या हाइफन से। तो भाई तीनों ही रहेंगे तो चलेगा, तो सभी को कोलोन से अलग किया है, तो कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू हो गई। कंडीशन नंबर 3 कि अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है, और हेक्साडेसिमल नंबर में जब भी लिखा जाएगा तो वहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ का प्रयोग किया जाएगा। ये ए बराबर 10, बी बराबर 11, 12, 13, 14, 15 और 0 से लेकर 9। एक हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से लेकर 15 तक के अंक आते हैं जिसका आधार होता है 16, याद रखना है। तो अब चेक करो किसमें जो है, देखिए यहां पर M आ गया, तो M इसमें ABCDF, तो M ये वाला मैक एड्रेस गलत हो गया। यहां पर X आ गया, ये मैक एड्रेस भी गलत हो गया। यहां पर G आ गया, ये मैक एड्रेस भी गलत हो गया। तो ये A जो आंसर है वो हमारा सही होगा, ये जो मैक एड्रेस है वो हमारा प्रॉपर एक सही मैक एड्रेस की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हुआ यहां पर। तो ये जो प्रश्न था थोड़ा सा लंबा चला गया, क्योंकि मैं चाहता था कि सारी चीजों को समझाते चलूं। अगला प्रश्न लेते हैं। तो अच्छा, ये फिजिकल एड्रेस मतलब कि कंप्यूटर कंपनी के द्वारा बना के उसको दिया गया ऐसा एड्रेस जो उसका यूनिक होगा, जैसे कि मोबाइल का EMI नंबर होता है और आपका गाड़ी का चेचिस नंबर होता है जो उसका परमानेंट रहता है, कंपनी बना के देती, तो वो नंबर होता है मैक एड्रेस ना, याद रखना। और वहीं पर IP एड्रेस नेटवर्क में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चुनाव करें। किसी कंप्यूटर द्वारा, किसी कंप्यूटर तथा सर्वर पर डेटा स्थानांतरण करने वाले प्रोटोकॉल को HTTP कहते हैं। SMTP का प्रयोग ईमेल हेतु होता है। TCP/IP एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल है किंतु दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। तो आपको बताना है कि सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आप, पहला तो दिया हुआ है कि किसी कंप्यूटर से सर्वर पर डेटा स्थानांतरण करने के लिए प्रोटोकॉल HTTP है। तो भाई डेटा को ट्रांसमिट करना है आपको, तो HTTP का प्रयोग नहीं करोगे, HTTP का बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप करोगे इसमें TCP प्रोटोकॉल का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करोगे आप, या फिर अगर फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप FTP का प्रयोग करोगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। SMTP का उपयोग ईमेल हेतु किया जाता है, ये कथन हमारा सत्य होगा। TCP/IP एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल है किंतु दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है, बिल्कुल गलत बात है, दोनों एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल नहीं है। TCP प्रोटोकॉल OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, जिसका काम होता है सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा सेगमेंट्स होते हैं उनको भेजना, उनको कंट्रोल करना। वहीं पर IP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक प्रत्येक सिस्टम को अपना IP एड्रेस देना, एड्रेसिंग प्रोवाइड करना। और ये जो होता है हमारा कहाँ पर प्रयोग होगा, नेटवर्क लेयर में प्रयोग होगा। तो TCP ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, IP नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, इन दोनों को जब एक साथ बोल देते हैं तो बोलते हैं TCP/IP सूट। ठीक है, अब दोनों को एक साथ प्रयोग क्यों किया जाता है सामान्यतः, भाई आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हो, पर जब तक सही पता नहीं होगा सेगमेंट के साथ में तो उसको भेजोगे कैसे, तो सही पता भी होना चाहिए अपने पास, तब फिर हम प्रयोग करते हैं किसका, TCP/IP प्रोटोकॉल का। तो भाई TCP/IP एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल है, गलत है, किंतु दोनों का प्रयोग अलग अलग है, तो ये सही है। तो हमारा क्या सही हो जाता है, केवल कथन 2 सही है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है। ठीक है, तो ये बड़ा है, आसान प्रश्न है।
पहले की वीडियो देखे होंगे तो एक बार में बना लेंगे। चलिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। आईपी एड्रेस का कहानी है कि पहले ऐसे चेक करो कि ये चार पार्ट में है कि नहीं। तो एक, दो, तीन, तीन और चार, ये भी चार पार्ट में, ये भी चार पार्ट में, ये भी चार पार्ट में, ये भी चार। पहला कंडीशन टू, कंडीशन नंबर टू, उनको डॉट से अलग किया गया है कि नहीं। तो सभी को डॉट से अलग किया गया, कंडीशन ट्रू। फिर देखिए कि प्रत्येक ऑक्टेट, मैंने क्या बताया कि ये वाला जो हिस्सा है, जो पहला पार्ट, इस प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। और ऑक्टेट कितने बीट का है, टोटल 8 बीट का होता है, कुल मिला के 32 बीट के, 8 8 8 8 32 बीट के टोटल हमारा एक IPv4 आईपी एड्रेस होता है। प्रत्येक ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 255, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो देखो इनमें से क्या इनके बीच में कौन सा आ रहा है, तो 263 255 से ज्यादा हो जा रहा है, ये वैध आईपी एड्रेस नहीं होगा। इसमें 752 आ जा रहा है, ये भी वैध आईपी एड्रेस नहीं होगा। यहां पर देखिए 266 आ जा रहा है, ये भी वैध आईपी एड्रेस नहीं होगा। और यहां पर 0001 2 3 2 5 4 और 2 9 2, ये हमारा वैध आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स ऑक्टेट हैं ये 0 से लेकर 255 के बीच में आ रहे हैं, तो ये हमारा वैध आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार मिनिमम और मैक्सिमम कितना अधिक होता है, 8 to 72, 0 to 255, 1 to 409, 1 to 3600। तो इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, 1 to 3600। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार, जो फॉन्ट की साइजेस होती है ना, उसका जो लिमिट है वो 0 से 3600 के बीच होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में याद करने की चीजें ये। अगला, सेव इज द लॉग बॉक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सत्य कथन पर विचार करिए। चार ऑप्शन आपके साथ, तीन ऑप्शन है, नीचे में कुछ कूट बना के दिया हुआ है, आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते जाते हैं, आंसर करते हैं। पहला, सेव इज का उपयोग फाइल अथवा डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आप सेव इज द लॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और उसे आप कुछ भी नाम चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। पहले क्या बोल रहा है, सेव इसका प्रयोग फाइल अथवा डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए भी आप कर सकते हो। अब F12 दबाओगे, आपका सेव इस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप सेव कर सकते हो। दूसरा, सेव इसका उपयोग सेव किए गए फाइल के नाम बदलकर सेव करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, सेव इस F12 दबाओगे और पहले से बनी फाइल का नाम भी आप बदल सकते हो। तीसरी बात है, सेव इस ऐप का सेव एस के उपयोग से हम फाइल को PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप F12 के सेव एस का ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको नीचे में डॉक्स, टेक्स्ट, PDF किस रूप में आप सेव करने हैं आपको ऑप्शन देता है। बिल्कुल आप कर सकते हो, तीनों ही सही है हमारे, मतलब कि उपरोक्त सभी सही है, आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। कंट्रोल F फॉर फाइंड सही है, कंट्रोल G फॉर गो टू सही है, कंट्रोल H फॉर हाइपरलिंक, कंट्रोल D फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो कंट्रोल D फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सही होगा हमारा। और वहीं पर हाइपरलिंक के लिए हम प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ H का प्रयोग नहीं किया जाता, कंट्रोल के साथ K का प्रयोग करेंगे तब वो हाइपरलिंक होगा। यही हमारा आंसर होगा, कंट्रोल प्लस एच सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस, एच फॉर हटाना, हटाना को याद रखना, रिप्लेस करना, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए। ठीक, चलिए, इंटरनेट निम्न पर कार्य करता है, पैकेट स्विचिंग पर, सर्किट स्विचिंग पर, ए और बी दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ध्यान देंगे, नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के जो तकनीक होती है उसे हम कहते हैं स्विचिंग तकनीक। ये तीन प्रकार की स्विचिंग तकनीक होती है। पहला तकनीक होता है हमारा सर्किट स्विचिंग, दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग और तीसरा होता है पैकेट स्विचिंग। इसमें से सर्किट स्विचिंग पहली तकनीक होती है, इसमें पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्रॉपर सर्किट क्रिएट होता है, उसके बाद फिर इनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि मैंने आपको फ़ोन लगाया, फ़ोन की घंटी जा रही है, आप फ़ोन उठाए, अब आपके और हमारे बीच एक सर्किट क्रिएट हो गया, अब हम दोनों आपस में बात करेंगे। तो ये जो टेक्निक है सर्किट स्विचिंग कहलाती है, और ये यूज किया जाता है कहां पर, टेलीफोन्स में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, याद रखना, टेलीफोन्स में। फिर बात करते हैं मैसेज स्विचिंग।
अब क्या होता है कि मान लो सेंडर मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, पर रिसीवर के बीच सर्किट क्रिएट नहीं हुआ है, वो रिसीवर मैसेज लेने के लिए तैयार नहीं है, तो बंदे ने मैसेज भेजा तो क्या होगा, एक सर्वर होगा इन दोनों के बीच में, तो सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को स्टोर कर लिया जाएगा, और जैसे ही रिसीवर क्या करेगा ऑनलाइन आएगा तो उसे क्या कर लिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये स्टोर और फॉरवर्ड की तकनीक पर काम करता है, ये कहलाता है मैसेज स्विचिंग। और वहीं पर इंटरनेट प्रयोग करता है पैकेट स्विचिंग का। पैकेट स्विचिंग में भी स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, परंतु ये ध्यान देंगे कि इसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक पैकेट के रूप में होता है, ठीक है। और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार होता है OSI मॉडल का, जिसका TCP/IP प्रोटोकॉल का आप प्रयोग करते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनेट में किस पर कार्य करता है, तो पैकेट स्विचिंग की तकनीक पर कार्य करता है। अगला, लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स। तो भाई लिनक्स क्या है, हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है केवल एक दो। तो यहाँ पर देखिए, तीनों के जो तीनों है ना, ये हमारे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मैं आपको फटाक से बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में जो उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सारे प्रोसेस को एक साथ एक इनपुट डिवाइस में डाल के सिस्टम के अंदर में डाल दिया जाता था, और जो सिस्टम होता था वो एक के बाद एक इन्हें एग्जीक्यूट करता था। वो ये नहीं देखता था कि कौन सा प्रोसेस जल्दी हो रहा है, कौन सा प्रोसेस लेट में हो रहा है, वो एक साथ एक बैच में सारे प्रोसेस को क्या कर देता था, एग्जीक्यूट करता था एक एक करके, ठीक है। आप बीच में ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, एक बार इनपुट दे दिया तो दे दिया, बीच में ह्यूमन इंटरेक्शन आप नहीं कर सकते थे, किसमें, बैच प्रोसेसिंग। सेकंड आया हमारा टाइम शेयरिंग। अब क्या किया गया, प्रत्येक प्रोसेस को एक निश्चित टाइम स्लाइस दिया गया, तो जैसे टाइम शेयरिंग चालू हुआ, मतलब कि आप समझ सकते हैं मल्टीटास्किंग आपका होना स्टार्ट हो गया। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक होता है जिसमें एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं, तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता दिए, अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, कभी पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए। सूची एक को सूची दो से मिलान करें, यहाँ पर शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं और यहाँ पर उसका आपको मिलान करना है। चलिए आंसर करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई फॉर होता है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, तो सेंटर अलाइनमेंट मतलब एक का हो गया सी। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए, तो ये हो गया हमारा बी। कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए, तो ये हो गया हमारा डी। और कंट्रोल आर होता है हमारा राइट अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट की किसके हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं। कैसे जाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल आर का मतलब अलग होता है, ये राइट शिफ्ट कमांड होता है सेल की वैल्यू को राइट में शिफ्ट करने के लिए। तो ये सारे हैं, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल डी फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ फॉर फाइंड, कंट्रोल जी फॉर गो टू, कंट्रोल एच फॉर आपका रिप्लेस, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफिकेशन, कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक, कंट्रोल L for left alignment, control M for margin indent, control N for new, control O for open, control P for pin, control Q for spacing between the lines, control R for right alignment, control S for save, control T for hanging indent, control U for underline, control V for paste, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज द विंडो, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल वाई फॉर रीडू और कंट्रोल जेड फॉर अंडू, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पर सारे शॉर्टकट की बोल दिए, नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा वो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया एक का सी बी डी, कौन सा आ जाएगा जी, एक का सी बी डी ए, ये ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। स्लाइड एक इमेज होती है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो होते हैं।
स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार से ठीक नीचे होता है। स्लाइड को बड़े आकार में प्रदर्शित करने हेतु स्लाइड पेन का उपयोग होता है। ओपन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तुलना में मुफ्त एवं कम मूल्य वाला सॉफ्टवेयर है। असत्य कथन का चयन करना है इसमें आपको, देखिए असत्य कथन, ठीक है। तो भाई इसमें से जो असत्य है ना वो ये वाला है आपका। स्लाइड एक इमेज होती है, बिल्कुल स्लाइड में आप टेक्स्ट ग्राफिक्स और साउंड वीडियो डाल सकते हो। ओपन ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स ऑफिस है, मतलब ओपन सोर्स ही फ्री में उपलब्ध होता है, तो स्वाभाविक सी बात है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तुलना में ये मुफ्त और कम में हमको मिलेगी। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे होता है, ये कथन भी हमारा सत्य है। तो असत्य हमारा कौन सा हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट और नंबर देने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। चार ऑप्शन है, तो यहां पर हमारा आएगा आंसर क्या, ए। ऑल्ट के साथ हम ओ और एन दबाएंगे तो हमारा जो हमारा टेक्स्ट और बुलेट नंबर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, www.google.com में गूगल इंगित करता है होस्ट नेम, डोमेन नेम, सर्वर नेम, संगठन का नाम। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, गूगल जो है वो क्या इंगित करेगा यहां पर हमको, ये डोमेन के नेम को बताएगा, ये हमारा आंसर होगा। www वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, सब डोमेन कह सकते हैं इसे, .com ये डोमेन का एक्सटेंशन कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी भी सिस्टम के नेटवर्क में मैक एड्रेस कितने अंक के होते हैं। 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक, 16 अंक, तो मैंने बताया कितने अंक के होते हैं, 6 6 के, मतलब कि दो दो के कितने सेट होते हैं भाई, दो दो के 6 सेट होते हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, जिसको तीन तीन पार्ट में ओ यू आई और आपका क्या कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर नंबर के रूप में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी भी डीबीएमएस में डीबीए का पूर्ण रूप है, डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस असिस्टेंट, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है और वहां पर डीबीए शब्द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा निम्न में से कौन सी है, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी, फोर्ट्रन। तो आंसर हमारा यहां पर होगा क्या, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो है वो हमारा क्या है, देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं जी, जिनको सॉल्व करना होगा ना वो पॉज मार दिया करेंगे, क्वेश्चन के बाद पॉज मारो, अपना लगाओ, उसके बाद देखो आगे, ठीक है। फोर्ट्रन, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है, ये लैंग्वेज 1957 में पहली बार बनाया गया था आईबीएम की मदद से, ठीक है, बॉब बेकर्स ने बनाया था इसे और आईबीएम ने इसमें अपनी सहभागिता दी थी, ठीक है, पहली बार प्रयोग किया गया था। चलिए, पीटीवी के द्वारा निम्न, आईपीटीवी के द्वारा निम्न कार्यों को संपन्न किया जा सकता है, दूरस्थ व्यक्ति से लाइव वीडियो एंड ऑडियो संवाद करना, लाइव टीवी देखना, टाइम शिफ्टेड प्रोग्राम देखना, वीडियो ऑन डिमांड द्वारा वांछित कार्यक्रम देखना। तो ध्यान देंगे, आईपीटीवी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी, और बिल्कुल इसके माध्यम से आप लाइव वीडियो एंड ऑडियो संवाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बाकी तीन ऑप्शन जो है हमारे सही होंगे। आपने हॉटस्टार देखा है, आपने बहुत सारे ऐसे टीवी प्रोग्राम देखे होंगे जिसके माध्यम से आप लाइव टीवी देखते हो, ऑन डिमांड टीवी देखते हो, मतलब अपने पसंद की चीज़ें देखते हैं ना, तो लाइव टीवी देखना और वीडियो ऑन डिमांड द्वारा वांछित कार्यक्रम देखना, ये सब आईपीटीवी के अंतर में आता है। हॉटस्टार एक उसका एग्जांपल है आईपीटीवी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है एल्गोल, कोमाल, सी हैस, पास्कल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन, हमारा उत्तर क्या होगा जी, उत्तर होगा हमारा सी हैस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, बाकी हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषाओं की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है, फिर वही बात, चार पार्ट में है कि नहीं तो सभी चार पार्ट में है, डॉट से अलग किया गया है कि नहीं तो सभी डॉट से अलग किया गया है, देखेंगे फिर नंबर कि 0 से 255 के बीच में है कि नहीं, तो यहां देखिए तो यहां 321 मिल गया, यह गलत आईपी एड्रेस है, यहां पर देखिए हाँ ये सभी के सभी हमारे रेंज में आ रहा, यही आंसर होगा। यहां पर देखिए 900 आ गया, ये गलत है, यहां पर 888 आ गया, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, पहले बता चुका हूं। अगला कथन एक कथन दो, फोर्ट्रेन पीसी में उपयोग होने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रेन का विकास 1957 में आईबीएम कंपनी ने किया था। दोनों ही कथन हमारे क्या हो जा रहे हैं, सत्य, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन
ठीक है, गणितीय गणनाओं पर आधारित ही हमारी भाषा हुआ करती थी, दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की आंतरिक और बाह्य क्रियाविधि को संचालित करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर में डाला गया पहला सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, यही जब आप डालेंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, तब आप एप्लीकेशन सिस्टम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है हमारा, ठीक है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करती है, 1, 3, 4, 5। तो 5G ध्यान देंगे कितने बैंड में, जी आंसर करिए अपना। तो 5G काम करती है 3 बैंड में। पहला होता है इसका लो बैंड, दूसरा होता है आपका मिड बैंड, और तीसरा होता है आपका हाई बैंड। लो बैंड जो होता है वो 800 MHz पर काम करता है। मिड बैंड जो होता है वो आपका, अगर मैं MHz से बोलूं तो 1500 MHz से लेकर 1800 MHz तक, अगर गीगाहर्ट्स में बोलूं तो 1.5 GHz या 1.8 GHz तक। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं 2400 MHz से लेकर 2600 MHz या फिर 2.4 GHz से लेकर 2.6 GHz तक का, ये जो बैंड होता है ये हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का बैंड होता है। ये अलग अलग स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं आपको 5G में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। तो वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा होगा जिसमें डॉक्यूमेंट पर, वर्ड पर, टेक्स्ट पर आप काम करोगे, एडिटिंग करोगे, फॉर्मेटिंग करोगे, उसकी उसके टेक्स्ट को बदलोगे, डेटा को सेव करोगे, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं आंसर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। फॉन्ट की साइज अगर ऐसे है, इसको बड़ा करना है, ऐसे बड़ा करना है आपको, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंक्रीज का निशान आप यूज करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है, एक्टिव सेल, करेंट सेल, A1, होम। तो याद रखना, जहां पर जिस बॉक्स के अंदर में ऐसे सेलेक्टेड होगा, गाढ़ा दिखेगा और कर्सर होगा, उसे आप कहोगे क्या, एक्टिव सेल कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, 250, 255, 256, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर होने वाला है क्या, उत्तर याद रखेंगे 255। ये वन लाइनर फैक्ट्स है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी भी पूछे तो याद रखना। एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री का प्रकार है वैल्यू, लेबल, फॉर्मूला, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, हम डेटा में वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके फॉन्ट के, उसके शेल के लेबल पर भी एंट्री कर सकते हैं, और साथ ही फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला बार में जाकर भी एंट्री कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तीनों प्रकार की एंट्रीज हमको प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पावर पॉइंट में ग्लो इफेक्ट किस में उपलब्ध होता है, शेप इफेक्ट, शेप फिल, शेप लाइट आउट, शेप कंट्रास्ट। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लो इफेक्ट्स की बात कर रहा है, तो वो किस में होगा आपका, शेप के इफेक्ट में होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, शेप इफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के में प्रेजेंटेशन के लिए निम्न दो तरह के साउंड इफेक्ट वाली फाइल शामिल की जा सकती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी इमेज फाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सपोर्टेड है। ऑप्शन है वेव फाइल्स, मीडी फाइल्स, वेव फाइल्स, GIF फाइल्स, वेव फाइल्स, JPG फाइल्स, JPG फाइल्स, GIF फाइल्स। क्या बोल रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के निम्न दो तरह के साउंड की बात कर रहा है ना। अब यहां पर आप देखो JPG इमेज फाइल है, ये ऑप्शन कट। यहां पर JPG, GIF दोनों ही इमेज फाइल्स हैं, ये भी ऑप्शन कट। वेव फाइल और GIF भी इमेज है, ये भी ऑप्शन कट। आंसर बच जा रहा है वेव फाइल और मीडी फाइल। इसके अलावा आपका अगर MP3 होगा तो भी उसको सपोर्ट करेगा कौन, हमारा पावर पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर तक अग्रेषित करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका आंसर क्या होगा, पहला वाला जो है कि प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका IP एड्रेस उपलब्ध कराने का काम तो किसका है, IANA का है, ठीक है। अगर आपको डायनेमिक IP एड्रेस चाहिए तो डायनेमिक IP एड्रेस आपको देगा DHCP सर्वर,
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, तो भाई ये प्रॉक्सी सर्वर का काम तो नहीं होगा। दूसरा, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर तक भेजता है, ये ऑप्शन सही होगा, तो केवल दो सही है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो प्रॉक्सी सर्वर मुख्य सर्वर, मुख्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक लोकल सर्वर बनाया जाता है, जो कि सर्वर में आने वाले जो कि क्लाइंट के पास आने वाले अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने का काम करता है, क्योंकि जो भी इस प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ता है उसके पूरे डेटा रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। कहाँ पर? प्रॉक्सी सर्वर में। तो याद रखना, प्रॉक्सी सर्वर एक लोकल सर्वर होता है जो मुख्य सर्वर और क्लाइंट के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है, इस पर आने वाले सारे क्लाइंट के लॉग्स को रिकॉर्ड करके रखता है, साथ ही ये सर्वर को भी सुरक्षा प्रदान करता है और क्लाइंट को भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएसआई मॉडल में केबल में प्रयोग होता है। अच्छा, ओएसआई मॉडल में केबल कहाँ प्रयोग होता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। फिजिकल लेयर में, नेटवर्क लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, डेटा लिंक लेयर में। तो याद रखना, फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल का सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर में आखिर ओएसआई मॉडल होता क्या है? तो ओएसआई मॉडल एक काल्पनिक मॉडल है जिसे 1984 में डिफाइन किया गया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें यह डिसाइड किया गया कि सेंडर जब रिसीवर को मैसेज सेंड करता है, तो जब डेटा नेटवर्क में जाता है और कनेक्टिविटी होती है, तो कनेक्शन किस किस रूप में होते हैं और डेटा किस किस रूप में होता है, ये डिसाइड कौन करके हमको बताता है? ओएसआई मॉडल। तो जब हम सेंडर के द्वारा, इधर सेंडर का सिस्टम, इधर रिसीवर का सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है, तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी वायर के माध्यम से होती है, फिजिकल लेयर। जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं नेटवर्क लेयर में, तो इसमें हम एक नेटवर्क लेयर में हम देने का काम करते हैं क्या, आईपी एड्रेस देने का काम करते हैं, और इसमें जो यूज होता है वो हमारा होता है राउटर डिवाइस यूज होती है, कौन से नेटवर्क लेयर में। डेटा लिंक लेयर जो होता है वो एरर फ्री डिलीवरी का काम करता है कि पर्टिकुलर परफेक्ट सिस्टम में डेटा हमको सेंड करना है। नेटवर्क जो हमारा मैसेज है वो आईपी एड्रेस के माध्यम से राउटर तक तो पहुंच जाएगा, पर राउटर से पहुंचने के बाद उसे किस सिस्टम के अंदर में भेजना है ना। जैसे कि आपके घर में 5 आदमी रहते हैं और आपके घर का पता आपका आईपी एड्रेस है, तो कोई भी खाना लेके आया वो आपके घर तक, डिलीवरी बॉय आपके घर तक तो पहुंच गया पिज्जा लेके, पर पिज्जा किस व्यक्ति के लिए आया है वो कैसे डिसाइड होगा, उसके नाम के आधार पर। तो उसका नाम ही उसका क्या है, फिजिकल एड्रेस है, मतलब कि मैक एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर किसका प्रयोग करता है, मैक एड्रेस का प्रयोग करता है, और मैक एड्रेस के साथ यहां पर यूज होता है हमारा स्विच डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वहीं पर ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WWW किस मॉडल पर आधारित है, लोकल सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, थ्री टीयर, नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान देंगे कि जो WWW है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। वर्ल्ड वाइड वेब कहने का मतलब ये है कि विश्व के सारे सर्वर अब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, किसी ना किसी फिजिकल माध्यम से या वायरलेस माध्यम से। अब किसी एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट जो है वो किसी सर्वर वन से रिक्वेस्ट करना चाहता है, परंतु वो सर्वर वन से सीधे नहीं जुड़ा है, वो सर्वर टू से जुड़ा हुआ है। तो वो टू से जो भी चीज रिक्वेस्ट करेगा वो सर्वर वन से लाके इसे प्रोवाइड करके इसके सिस्टम में दे देगा। तो कुल मिला के यही तो वर्ल्ड वाइड वेब हुआ ना, कि सारे विश्व के सर्वर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट कहलाया ये। तो यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 82 हुए ना हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, या बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ठीक है, सही गलत बताना है। गूगल एक सर्च वेब सर्च इंजन है, ये तो सही है, इसे माइक्रोसॉफ्ट चलाता है, बिल्कुल गलत है। सर्च इंजन है ये सही है, पर माइक्रोसॉफ्ट चलाता है तो एकदम गलत हो गया। अगला है हमारा, बींग एक वेब सर्च इंजन है, ये भी सही है, जिसका मालिक गूगल है, एकदम गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, एक भी गलत दो भी गलत। गूगल एक सर्च इंजन है जिसका मालिक कौन है, गूगल, और बिंग एक सर्च इंजन है जिसका मालिक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो दोनों को उल्टा कर दिए। अगला क्वेश्चन है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluestar@mars.org है, तो यहां पर mars.org दर्शाता है सदस्य के नाम को, सर्वर को, डोमेन के नाम को, रेंज के नाम को। तो बिल्कुल ये दर्शाएगा क्या, हमारे जो mars.org है ये बताता है
डोमेन के नाम को, कैसे डोमेन के नाम को बताएगा, ठीक है। तो डोमेन के नाम को इसलिए बताएगा, ये जो है ये तो यूजर नेम हो गया, और जैसे आप लिखते हो ना gmail.com, तो ये gmail.com में ये बताते हैं कि किस डोमेन के अंदर में आप क्या कर रहे हो, मैसेज सेंड करने का काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित डोमेन का एक एक्सटेंशन है एवं उनसे संबंधित परिभाषाओं का मिलान करना है, ठीक है। यहां पर एक्सटेंशन दिए हुए और यहां पर आपको मिलान करना है। एक्सटेंशन क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट का एक्सटेंशन ये बताता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है, ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन और कंट्री डोमेन, दो प्रकार के डोमेन होते हैं, अगर जैसे कि .in, .us, .pk, .uae, ये कंट्री डोमेन्स है। पर यहाँ पर आपको टॉप लेवल डोमेन्स मिल रहे हैं, तो सरकारी संस्थान के लिए आपको क्या बताना है, मिलान करना है। तो सरकारी एजेंसी के लिए आपका गवर्नमेंट वाला, तो इसका तो एक हो गया। ORG होता है गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि नॉन प्रॉफिटेबल, ये आपका NGO हो गया, तो यह हो गया 3। फिर आता है EDU, शैक्षणिक संगठन, ये हो गया 4। और नेट मतलब नेटवर्क संगठन, ये हो गया 2। 1, 3, 4, 2 देखिए कहाँ पर 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे आपको पेपर में फटाफट सॉल्व करना है जी। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो साधारणतः सभी के उपयोग के लिए होते हैं, ओके। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है उसको सभी नॉर्मल जनरल पर्पस यूज कर सकते हैं, और लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों हमारा कथन सही थे, मतलब कि क्या हो जाएगा, कथन क्या कहे जैसे, अच्छा कथन और कारण दिया है जी, दोनों कथन और कारण दिया है। तो भाई हमारा कथन सत्य है और कारण उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डॉस के बारे में क्या सही है। डॉस पहला कथन है, प्रोग्राम क्रियान्वयन के समय सीमा को वरीयता ना देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता के अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर देता है, बिल्कुल देता है ये। डॉस एक नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो डॉस तो नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्योंकि इसमें हम कमांड पे काम करते हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला दूसरा कथन तो हमारा सही है, और जो पहला कथन है उस पर विचार करते हैं, हाँ वो भी सही ही है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों कथन ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, यहाँ पर जो कंपनीज है उसके, तो सिम्बियन नोकिया एकदम सही है, बॉडा सैमसंग ये भी सही है, एंड्रॉयड गूगल ने बनाया ये भी सही है, माई मोर रेडमी बनाया ये गलत है, इसको भी बनाया किसने, नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फैक्ट्स हैं जी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन का चयन करिए। फाइल मेन्यू में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने हेतु ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है, सही है जवाब हमारा, असत्य को चुनना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसी टेक्स्ट को संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम परिवर्तन को बदलने के लिए रेडियो ऑप्शन बटन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं करते हैं। कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, जो भी आपने गलती कर दी उसको फिर से ठीक करना है। तो टूल बार, टूल कई बॉक्स तथा मेन्यू का समूह होता है, इसकी सहायता से कार्यों को तेजी से क्रियान्वित किया जा सकता है, सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही कथन असत्य है हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए टेक्स्ट में खाली स्थान की जाती है, एडिटिंग, कलर फीलिंग, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग। तो टेक्स्ट में हमेशा क्या की जाएगी जी, आंसर करिए, आंसर की जाएगी हमारी क्या की जाएगी, हमारी फॉर्मेटिंग की जाएगी। फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट के फॉन्ट्स को चेंज करना, छोटा करना, बड़ा करना, कलर डालना, फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला सत्य कथन छांटिए, एक्सेल में वर्कशीट रो और कॉलम में विभाजित होता है, बिल्कुल एक्सेल में जो वर्कशीट होता है रो और कॉलम में विभाजित होता है, उसी के इंटरसेक्शन से सेल बनता है हमारा, ठीक है, सही है हमारा। फाइल को क्लोज करने तो कंट्रोल भी गलत है, कंट्रोल W रहता तब हमारा सही होता। एक्सेल में डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल गलत है, देखा जा सकता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रिंट प्रीव्यू होता है ना जी। असत्य कथन का चुनाव करें, डेटाबेस संबंधित सूचनाओं का एक अव्यवस्थित समूह है, DBMS का प्रयोग संग्रहित डेटा की गणना के लिए किया जाता है, SQL का विकास 1970 में IBM द्वारा किया गया, ए और सी दोनों असत्य कथन। तो पहला ही ये जो हमारा बी है सही है, DBMS का प्रयोग संग्रहित डेटा की गणना करने के लिए किया जाता है, हम डेटा को संग्रहित कर सकते हैं वहां पर, उस पर कैलकुलेशन, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। SQL का विकास 1970 में IBM के द्वारा किया गया, ये भी सही है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका प्रयोग होता है डेटाबेस की एक भाषा है, डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट करना हो, डेटा को
हमें डेटा पर वर्क करना हो, डेटा प्राप्त करना हो, फैच करना हो, तो उसके लिए हम लोग एसक्यूएल का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर डेटाबेस संबंधी सूचनाओं का अव्यवस्थित जो लिखा हुआ एकदम गलत बात है, क्योंकि डेटाबेस तब बनता है जब अव्यवस्थित नहीं व्यवस्थित समूह कहे, तब वो कहलाता है हमारा क्या, डेटाबेस। अगला प्रश्न लेते हैं, कथन दो कथन दिए हुए, हब लैन का महत्वपूर्ण घटक है, इसे कनेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर दोनों ही कथन हमारे सही होंगे, क्योंकि यहां पर जैसे कि हम बात करते हैं लैन के विषय में, तो लैन का काम क्या है, लैन का काम क्या है, लैन सॉरी हब का काम क्या है, हम एक मार्केट से हब खरीद के लेकर आते हैं, ये जो हब ऐसे बॉक्स नुमा संरचना होती है, इसमें पोर्ट्स बने होते हैं, जितने पोर्ट्स होंगे उतने सिस्टम को आप क्या कर लो, यहां पर जोड़ लो और बना लो एक लैन बना लो, तो लैन सही हो गया। अब वहीं पर जब रिंग टोपोलॉजी की बात होती है, तो रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और इनको आप ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट कहलाता है लैन, मैन, वैन, पैन, तो लोकल एरिया के अंदर भी क्या कहलाएगा, आपका लैन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट जैसे एक्स की घात 2 जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे आप, कंट्रोल प्लस इक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट शिफ्ट प्लस इक्वल टू आल्ट प्लस इक्वल टू, आंसर हो जाएगा क्या आपका, पहले भी कर चुके हैं इसको वीडियो में आप देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ में प्लस, सही जोड़ी को मिलाना है, इंसर्ट न्यू स्लाइड नॉर्मल व्यू, न्यू एडिटिंग व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू, आपको यहां पर जो सही शॉर्टकट की मिलान करना है, तो इंसर्ट न्यू स्लाइड पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेने के लिए आप कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया 4। मुख्य एडिटिंग व्यू स्लाइड थंबनेल, तो स्लाइड जो थंबनेल आपको दिखाई देता है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखाई देता है, ये 2। इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड, तो यहां पर कंट्रोल ये मुख्य एडिटिंग व्यू, तो जब आप एडिट कर रहे होते हैं तो जो इधर पे स्लाइड्स दिख रहे होते हैं यहां पर एक स्लाइड रहता है वो हमारा नॉर्मल व्यू कहलाता है पहला, तो इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड, तो यहां पर कंट्रोल क्यू लिखा है गलत है, यहां पर है कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट स्लाइड, तो ये हो जाएगा 3, तो 4, 1, 2, 3 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन बस लास्ट बचा हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए जुमला पीएचपी सीएमएस एचटीएमएल, तो जुमला क्या है, तो जुमला एक ओपन सोर्स मैटर है, ओपन सोर्स मैटर मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्री में ओपन सोर्स आप वेबसाइट क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। पीएचपी क्या है, तो पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसका हो जाएगा 3। सीएमएस क्या है, तो सीएमएस एक है क्या वर्डप्रेस, और एचटीएमएल क्या है, ये है मार्कअप लैंग्वेज, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेबसाइट का इनिशियल पेज कौन सा होता है, फर्स्ट पेज, स्टार्ट पेज, होम पेज, उपरोक्त सभी, तो जो मेन पेज होता है वो कहलाता है हमारा क्या, होम पेज। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, भारत में 5G दूरसंचार सेवा कब लॉन्च की गई, तो ध्यान देंगे 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की। आखिरी प्रश्न है हमारा, डेटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड क्या होती है, बैंडविड्थ बीट पीएस जीबीपीएस केबीपीएस, आंसर हो जाएगा हमारा जीबीपीएस। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न मैंने आपको फटाफट कराए, ये भी आपका रिवीजन हो गया। आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, मिलते हैं, नमस्कार अगली वीडियो में।